वेलकम टू होप प्रशांत यादव। जैसे कि आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है ना, बजट कल आ जाएगा। कल 1 तारीख है, 1 फेब को बजट इंट्रोड्यूस हो जाएगा और सारी बातें होनी शुरू हो जाएंगी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। लेकिन कुछ लोग मुझसे बड़ा पूछते हैं कि सर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ये स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। प्रेसिडेंट साहब जब स्पीच देते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताते हैं कि गवर्नमेंट कहां पर फोकस कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो जहां पर गवर्नमेंट की नजर है तो वहां पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप गवर्नमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट कहां पर है। तो प्रेसिडेंट साहब की जो स्पीच है भाई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो ये बताएगा कि कौन से टॉपिक एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सर आपको स्मार्ट वर्क करना है ना, मैं आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहा हूँ। आप पूछते हो ना कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं टॉपिक्स आज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो और इसको समझ लो। बहुत टाइम नहीं लेंगे, 5 मिनट आपका लेंगे जिंदगी का, लेकिन इस एग्जाम की रेस में आपको 2 कदम आगे रखेंगे बाकी लोगों से। सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये सेशन जो मैं आज कंडक्ट कर रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस स्पीच इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट साहब हमेशा ये बोलेंगे माई गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट करके जब एड्रेस कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ही बता रहे हैं। तो अमृत काल की बात हो रही है, आजादी का अमृत काल महोत्सव की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स मेंशन है पूरी स्पीच में, मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, प्लीज आप साथ में लिखते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। सिर्फ रिलायंट भारत की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। तो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूछते हैं कौन कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द यू नो ऑल द स्कीम्स, वो लिस्ट आपको आज पूरी मिल जाएगी जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह से प्रधानमंत्री जो नेहरू साहब थे पहले उनके कॉन्सेप्ट से अलग है, आपको दोनों को कंपैरिजन में समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, माई गवर्नमेंट पॉलिसी, सबका साथ सबका विकास, उसको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको चेंज करके सबका विश्वास सबका प्रयास, इसके बारे में समझिएगा कि कहना क्या चाहते हैं। इंडिया नाउ इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फ्रॉम द टॉप 10th स्पॉट। तो हम बता रहे हैं कि हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि भारत को विश्व गुरु बनना है तो अपने जीडीपी का साइज भी हमको ग्रो करना पड़ेगा। अगर चाइना से आगे निकलना है तो $18 ट्रिलियन की इकॉनॉमी है चाइना की, काफी टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है और हम तो अभी 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का एम कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत रास्ता लंबा है। आर्ट एंड कल्चर से कुछ सवाल आते हैं साहब, कुछ स्टेटमेंट आते हैं और पूछता है कि मतलब ऐसा कैसा, वो कौन से हो सकते हैं। देखिए समझिए इस बात को, लॉर्ड बसा विश्वेश्वरा हैड सेड काया कवे कैलाशा, विच मीन्स कर्मा इज वर्शिप एंड शिवा इज इन द कर्मा इटसेल्फ। आप मेरी बात समझें, आप इसको एज अ कोड भी यूज कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, जहां पर भी आप यूज कर सके। अब प्रेसिडेंट साहब ने अपने स्पीच में लिखा है, सोचिए भी यू नो सीनियर ब्यूरोक्रेट ये सब लिखते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो बड़ा आपको फायदा होगा, साथ में आपको ये भी फायदा होगा कि किसने क्या कहा है। कल के दिन आपसे प्री में पूछ लिया जाए तो उसके हिसाब से भी आप तैयार रहेंगे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लीजिएगा इस लाइन को भी। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 के बारे में बात की, ट्रिपल तलाक की तलाक के बारे में बात की। ये जो डिसीजन गवर्नमेंट लिए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, प्रेसिडेंट साहब तो ये बोलेंगे ना माय गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उसका एनालिसिस तो आर्टिकल 370 सही है गलत वो एनालिसिस हम नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मेंशन है, तो आप आर्टिकल 370 और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, इस एक्ट के बारे में पढ़िएगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के बारे में पढ़िएगा। गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस जो सिस्टम है, जेम सिस्टम, इसके बारे में पढ़िएगा। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिफंड आने में पहले देरी होती थी, अब टैक्स रिफंड बहुत जल्दी आ जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, ईज ऑफ यू नो गिविंग टैक्स रिफंड इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव से इनको याद रखिएगा। जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी, वन नेशन वन राशन कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में फेक बेनिफिशरीज को हटाने के लिए ये ट्रिनिटी लाई गई थी, इसके बारे में पढ़िएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या ये पढ़िएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होते हैं ये भी पढ़िएगा। पॉवर्टी इरिडिकेशन इज नो लॉन्गर जस्ट अ स्लोगन, यानी गवर्नमेंट पुअर लोगों को एम्पावर करने के लिए बहुत ढेर सारे स्टेप ले रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आयुष्मान भारत, जन औषधि स्कीम, ये सब पढ़िएगा, जो मेंशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़िएगा। जल के कॉन्टेक्स्ट में, पानी के कॉन्टेक्स्ट में, हर घर जल, जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा साहब। मैं इसलिए आपको बस केवल टॉपिक्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज बेहतर करने की कोशिश की, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कुकिंग गैस। कुकिंग गैस के परस्पेक्टिव में एक स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, उस उज्ज्वला स्कीम के बारे में पढ़िएगा। यहाँ पर एक स्क्रिप्चर का कुछ यू नो लिखा हुआ, आयाम, निजाह, परोवेति, जनाना, लघु
हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, प्रोनाउंसिएशन मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन इसका मतलब क्या, एटीट्यूड दैट इज दिस दैट दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स इज नॉट करेक्ट, इस एटीट्यूड के बारे में बात की है। आप इस लाइन को आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट में है आप इनको यूज करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, किस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने 3 लाख करोड़ फॉर फ्री फूड गेन, इतना गवर्नमेंट ने स्पेंड किया इस पर, गरीब लोगों को खाना पहुंचाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्कीम मेंशन आप पूछते हैं स्कीम कौन सी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्रॉप इंश्योरेंस, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्किड्यूल कास्ट स्किड्यूल ट्राइब और ओबीसी के परस्पेक्टिव से डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम क्या है, अमृत जलधारा युवा उद्यमी योजना क्या है इसके बारे में पढ़िएगा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़िएगा, जनजातीय गौरव दिवस के बारे में पढ़िएगा, बिरसा मुंडा की जो रिबिलियन है उनके बारे में पढ़िएगा, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जाकर बैकवर्ड लिंकेज ढूंढ के वो चीजें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। एकलव्य मॉडल के बारे में पढ़िएगा कि एकलव्य मॉडल क्या है, वन धन विकास केंद्रास क्या है इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, नारी शक्ति, आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन इंस्पायरिंग पोयम टाइटल्ड नारी शक्ति रिटन बाई उत्कल भारती कुंतला कुमारी सवात, आप ये समझिए इमोर्टल पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन लिटरेचर, फ्रीडम फाइटर एंड वेल नोन ओडिया पोएटेस। कल के दिन एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, नाम देकर ये पूछ ले कि ये है कौन, ये राइटर हैं क्या, है क्या नहीं है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नारी शक्ति ये क्योंकि मेंशन है बॉस, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये लाइनें हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। द वुमेन ऑफ इंडिया इज नीदर इंफीरियर नॉर वीक कंपेयर टू एनीबडी एल्स, हर इमोर्टल ग्लोरी विल नेवर डिसअपियर फॉर एजेस एंड रिमेन फॉर एवर इन द होल वर्ल्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर पढ़िएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है विमेन के परस्पेक्टिव से, इसको जरूर पढ़िएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में बोलता रहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल पढ़िएगा। मैटरनिटी लीव को बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने इस कॉन्टेक्स्ट में, वुमेन के एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा। मुद्रा योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना मैंने आपको बता दिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़िएगा, साथ में इस बार देखिए दोबारा मेंशन कर रहा है लॉर्ड बसवेश्वरा, इनके बारे में पढ़िएगा। थिरुवल्लुवर के बारे में पढ़िएगा, गुरु नानक देव, इन सब के बारे में पढ़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पूछ रहे हैं पर्सनैलिटीज कहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है, पिछली बार रामानुजन से पूछा था, मैंने आपको बताया था कि ये पूछा जाएगा और पूछा गया, ऐसे ही प्रिडिक्ट नहीं होता है, बहुत जगह से हम देखते हैं मैच करते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पर कितना हाईलाइट किया है, उसके हिसाब से भी उनकी प्रायोरिटी समझ में आती है, उसके हिसाब से टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, काशी तमिल संगम ये क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड पढ़िएगा, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िएगा। ये 2023 एक मिलेट ईयर है, मिलेट से सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मिलेट जरूर पढ़ के जाइएगा, उसका ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट भी पढ़कर जाइएगा। योगा आयुर्वेदा की बात हो रही है, स्वामित्व योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्वामित्व योजना पढ़िएगा, और रेलवे की सर्विसेज इंक्लूड कर दिया गया, तो वंदे भारत बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है गवर्नमेंट वंदे भारत को, और भी एक रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में और भी एक चीज मेंशन है आगे चल के, मैं वो भी बताऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बार इंपॉर्टेंट है, बोस साहब के बारे में पढ़ के जाइएगा, पर्सनैलिटी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बोस साहब के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। परमवीर चक्र अवार्डीज है ना, 21 आइलैंड्स ऑफ द अंडमान निकोबार हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज ऑफ द इंडियन आर्मी। नेशनल वॉर मेमोरियल पढ़िएगा, भगवान बिरसा मुंडा अगेन मेंशन है, बिल्कुल पढ़िएगा। वीर बाल दिवस हो गया, विभाजन विभीषिका समृद्धि स्मृति दिवस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर पर फोकस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पर गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा थ्रस्ट दे रही है, सेमीकंडक्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हमारा जो इंपोर्ट है टॉयज का 70% डिक्रीज हो गया, हमारा एक्सपोर्ट 60% बढ़ गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़िएगा बिल्कुल। INS विक्रांत के बारे में पढ़िएगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो भारत बना रहा है उसके बारे में पढ़ना अनिवार्य है, अगर एग्जाम को सही ढंग से आपको समझना है तो भारत सरकार जहां पर फोकस देगी नजर वहां पर दौड़ाओ। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है गवर्नमेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मेंशन है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में एक बार पढ़ लेना, कौन देता है ये देख लेना। दिव्यांग, वन साइन लैंग्वेज
सुगम भारत अभियान बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नेशनल मास्टर प्लान, में कई बार बोल चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, मैं डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रांग करना चाहता हूँ, मोदी साहब बोल रहे हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता हूँ देश को, तो ग्लोबल पावर बनना है तो ये सब काम करना जरूरी है। तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर की बात कीजिएगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, इन सब के बारे में पढ़िएगा। भारत माला प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उड़े देश का आम नागरिक सिविल एविएशन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोल रहा था कि रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कवच बड़ा इंपॉर्टेंट है, कवच पढ़कर जरूर जाइएगा। मिशन लाइफ पढ़िएगा, नेट जीरो हम करना चाहते हैं 2070 तक, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़िएगा, हाइड्रोजन मिशन पढ़िएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हाइड्रोजन मिशन, फेम स्कीम क्या है ये बिल्कुल पढ़िएगा। G20 की प्रेसिडेंटशिप आई है तो इसके बारे में पढ़िएगा, G20 SCO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िएगा, क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड के बारे में पढ़िएगा, वेस्टर्न क्वाड क्या है वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। UNSC का काउंटर टेररिज्म कमिटी है, साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत क्या कर रहा है इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एंड लेट अस वॉक टूगेदर स्टेप बाय स्टेप, अंडरस्टैंड ईच अदर्स माइंड्स एंड लेट द फ्लो ऑफ यूनिटी इन आर रेजोल्यूशन, ये कोर्ट से इन्होंने इस चीज को एंड किया। लेट अस फुलफिल द ओथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई वॉकिंग वॉकिंग ऑन योर आर कर्तव्य पथ इन दिस महायज्ञ ऑफ नेशन बिल्डिंग, भारत को बनाना है ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना है। आपको समझना पड़ेगा कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उस थॉट प्रोसेस से अपनी पर्सनैलिटी को मैच करना पड़ेगा, तब जाकर ये एग्जाम क्रैक होगा। दिस एग्जाम इज एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी, इसीलिए लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट है साहब, प्री क्वालिफाई करना है। बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस स्पीच से आपको आइडेंटिफाई करके बताए हैं, वैसे ये कोई पढ़ता तो है नहीं स्पीच, इसलिए मैंने पढ़कर आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और दूसरों तक ये इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।